सज्जन बैठे हैं पिछे की सी उनकी है अगे जाके की होना 84 लाख योनी भी किसी को पता है कोई पता नहीं दुखी दे गुरु जाके पूछया जावे कहंदा हे प्रभु मैं ठीक हो जावांगा तेरे चरणा दा सिमरन करा ठीक हो जाता है फिर की कहता है रब किथे है परमात्मा नु किन्ने देखिया है सबुद्दी चली गई कबुद्दी आ गई शमशान दे विच जाने है माड़ा कर्म ना करो कानो असी भी इथे आ जिस वगैरह संस्कार करके बाहर आने हैं पहली गल तो यह दसो अज संस्कार की 5 मिनट लगनी है सोटी लाओ जी सोटी लाओ जी महाराज कहते 45 मिनट संस्कार के लगने शास्त्रा में लिखे है जब तक सिर का पटाका ना बोल जाए ना संस्कार पूरा नहीं होंगे गल्ला बड़िया गूढ़ ज्ञान वाले सोटी लाओ जी त्रिपाठी करो ब्रह्मा विष्णु वाकर त्राया वो तो सारे नु पता है जिधरों सज्जन आया है उन्हें उसे पासे चले जाना वेद पुराण शास्त्र दे कथा होंदी है चलो दूर की जाना है असी किसी शोक सभा विच जाने पहली गल तो असी बाहर ही खड़े रहने अंदर आने का ना नहीं लेंगे जे अंदर आने हैं नमस्कार करके असी बैठने हैं ये नहीं पता कि पंडित गुरु ग्रंथी की पढ़ता पिया है असी अमल नहीं करते जे अमल करने हैं ते ज्ञान नो
प्राप्त नहीं करते, क्योंकि फिर जान का फायदा की दसिया गया। मारे ने की है बुलिया रब तैथों वख नहीं पर विखन वाली तेरे कोल आख। क्या मंदिर दे रब बैठे, गुरुद्वारा गिरजाघर मसीता में रब बैठे, धर्म स्थान बनाया एक मन की शांति वास्ते, एकाग्रत चित होके मन में सकून मिलता है, परमात्मा का अंदर बैठा है। चौकड़ी लगा के जिन्हों चेतन रूप शक्ति एक आत्मा का दर्जा देने है, महाराज कहते हैं मैं तो तेरे अंदर है चौकड़ी लगा के बैठा। एक बारी झंझोल अपने शरीर को मैं तेनों अंदरों प्रगट होके दर्शन दे दिया। जीवन आगे भी सुखी है और इस मृत्यु लोक में भी सुखी है। अगर कोई इंसान दुष्कर्म करके जाता है तो इस मृत्यु लोक में वो दुखी होता है और आगे जाकर के उसको किए हुए कर्मों का फल आत्मा को भोगना पड़ता है, पीड़ा होती है और वहां जाकर के भी दुखी होता है। तो आए कथा की ओर समाप्ति को चलें। सारी कथा 16 अध्याय में विष्णु भगवान महाराज जी गणी को सुना दी। अंत में कहा भगवान विष्णु महाराज कहते हैं कि जो मृत्यु के वादा से कथा को सुनते हैं वे पापों से छूट कर अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये कथा है पुत्र की सभी प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाला। जो नास्तिक लोग ना तो इस कथा को करते हैं ना सुनते हैं, भगवान कहते हैं कि उनको पुत्र कहने का कोई भी हक नहीं। जो माता पिता के मृत्यु होने पर इस कथा को सुनता है उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं और अगर पुत्र संतान वाला होता है। जिसने कथा सुनी न गया जाकर के श्राद्ध किया न मासिक श्राद्ध किया, भगवान कहने के कारण उसको पुत्र कैसे कहा। इसलिए सभी प्रयत्न से कथा को सुननी चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में प्राण उस परमपिता परमात्मा के समर्पण देगा। मंगलाय तमणी बोल विष्णु भगवान महाराज की श्री मंगला। परमात्मा के प्रति श्रद्धा को पुष्प अर्पित किए तो इस समय हमारे पास कुछ शोक प्रस्ताव भी पहुंचे हैं। श्री हर्षवर्धन सिंह बंटी डिप्टी मेजर, उनकी ओर से भी शोक प्रस्ताव पहुंचा है, नहीं पहुंच सकते हैं समय पर। हमारी ओर से भी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने हैं। और भी बहुत से हमारी सामाजिक धार्मिक बंधु वर्ग एकत्रित हुए हैं, तो आइए अगर सब उठाला किया जाए तो मैं कहूंगा परिवार वालों से जो पगड़ी लेकर के आया है वो कृपया आगे आ जाइएगा ताकि हम उठा ले जा सकते हैं। अपनी है चाय का प्रसाद ग्रहण करके जाए। बच्चों ने अपने बुजुर्गों के लिए शास्त्रीय गुरु महाराज की छोटी हरि ओ मंगलम भगवान उसकी देखिए सारे जान कृपा करें। रखो जी पवन को उठ के रखो जो नहीं जो रखना रख दो। चुको बेटा उत्तरा साहब बाकी बाहर लेन देन कर लियो पवन उठ गई है हाथ जोड़ रख दो काके बंद कर दे नमामि विघ्नेश्वरं स्वयं पादं।
आज हम महान हस्ती जिनका हम सभी को छोड़ करके अपने चरण में विलीन हो गए हैं और इस ऊंचा परिवार में दुख की घड़ी है। हम सब इस दुखी परिवार से संवेदना प्रकट करने के लिए और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा का पुष्प अर्पित करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो हमारी श्रीमानियों श्री जुगंदर पाल जी दूसरा जो अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर कुछ दिन पहले ही प्रभु चरण में विराजमान हुए और पीछे अपना भरा परिवार फुलवाड़ी छोड़कर गए। इस समय दुख की घड़ी में हमारे श्री संजीव जी राजीव जी इनको पिता का बिछोड़ा चला और सुदेश जी जो उनके दामाद और सबसे बड़ा बिछोड़ा श्रीमती सुदेश रानी जी उनको पति के रूप में बिछोड़ा लगा। लेकिन इस होनहार को टालने का किसी के पास भी कोई उपाय नहीं क्योंकि अनहोनी घटना होती है। तो उस दिगंबर आत्मा के प्रति परिवार वालों ने साप्ताहिक श्री गर्भराय जी की कथा रखवाई थी तो मैं हमारे गुरुशिव जी उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा का पुष्प अर्पित करने के लिए पधारे हैं और उन्होंने पहले ही कहा कि मेरे पास समय पूरा चाहिए। मैंने पहले कहा कोई ऐसी बात नहीं है आपको पूरा ही समय मिलेगा। लेकिन मैं दो शब्द कहूँ आप उसके बाद उनके कार्यक्रम आगे का बता दूंगा कि संसार में कितनी भी It
ਊੜਮ ਬੇਲੀ ਯਾਰੇ ਮੇਲੀ ਊੜਮ ਬੇਲੀ ਯਾਰੇ ਜਾਨਾ ਬੜਿਆ ਸਮਝਦਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕੇ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਆਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦੇ ਮਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਓਏ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਰੋ ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਂਸੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਲੁਤਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆਸੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗਰਬ ਰੋਗੇ ਕੋਠੜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਾਰ ਕਰ ਮਾਰਗ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਧਨਮਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗਰੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਬੂਤੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋਟੀ ਲਾਓ ਜੀ ਸੋਟੀ ਲਾਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 45 ਮਿੰਟ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਰ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਟੀ ਲਾਓ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਰੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਕ ਤ੍ਰਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ
असी अमल नहीं करते। जे अमल करने हैं तो ज्ञान नो प्राप्त नहीं करते, फिर ज्ञान का फायदा की दसिया गया। महाराज ने की है बुलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखन वाली तेरे कोल अख। क्या मंदिर दे विच रब बैठा है? गुरुद्वारा गिरजाघर मसीता विच रब बैठा है? धर्म स्थान बनाया एक मन की शांति वास्ते, एकाग्रत चित होके मन को सकून मिले। परमात्मा का अंदर बैठा है चौकड़ी लगा के, जिन्हों चेतन रूप शक्ति एक आत्मा का दर्जा देने है। महाराज कहते हैं मैं तो तेरे अंदर चौकड़ी लगा के बैठा। एक बारी झंझोल अपने शरीर को मैं तेनों अंदरों प्रगट होके दर्शन दे दिया। किन्ने नहीं मरना? जब गुरबाणी में शब्द लिखा ना कि जो अवश्य ही भावी भावा नाम, अगर ओ नार इससे ताकत होती है, मरिया होया इंसान जिंदा हो सकता, तो भगवान राम जी कभी दुखों को प्राप्त ही नहीं। राजा नाले ओंदे कोल कभी दुख ना आते। धर्मराज युधिष्ठिर कभी दुखों का सामना ना करे। इस संसार है कि चौहान साहब के दुखों का घर है, कंडिया की वार है। कई आने ना कि नानक दुखिया सब संसार रोज पता सारे ने। मारे कहते हैं बंदे रस्सिया नाल बंद छुट जाए, जेना इस वो माया की जंजाल असी फिर भी नहीं छड़ते। असी रोंदे पिताप करते आंसू बहाते, साडा अपना नहीं करांगे। कोई ना कोई कारण तो बंदे ना मौत का, मैनू मौत तो गल याद आ। भगवान प्रभु की कृपा अनुसार एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी लोड़ दी विच बैठे, एक गल सुन वाली बैठे बैठे अपने सेवक मर्दानी को कहते हैं, मर्दानिया मौत कितनी दूर है? मर्दाना कहता है गुरु महाराज जी उठ के बाद जावांगे, असीं मर जावांगे। गुरु महाराज कहते भाई सजना बड़ी सियानी गल की। बाले भी पूछिया, बाला कहना महाराज जी उन्हें मर जावे। गुरु महाराज कहते कि वह सजना उस तो भी ज्यादा सियानी गल कर दी है। गुरु महाराज ने ना थोड़ा रोष प्रकट हो, एक होंगे क्रोध एक होंगे रोष। क्रोध असी लड़के कर लिया, रोष कितों कटांगे? परमात्मा बंदे ना दे रोष निकल रहा। जिस वक्त मानते हैं कि थोड़ा रोष प्रकट हो गया ना, उन्होंने मन दे विचार किया, बाले मरदाने हैं सारी उम्र साडे नाल रह के साडे पूरे कदरती, क्या गुरु कह दिता तो तुसी शिष्य हो गए? गुरु का मतलब जानते हो?
पंडित जी के काल के विचो कट के तुहानू दस स्मारक की खा देवे ना ओनू तुसी गुरु महाराज का दर्जा प्रदान करवा सकते। कानू बड़ी गहराई मिले ना प्रधाना कहना है गुरु महाराज जी साड़ी की छोटी जी बिनती है दीपक जी वैल्यू की जबकि गुस्सा साहब दीपक के थले खुद अंधेरा होता है लोगों ज्ञान दे असी लोग ज्ञान देने वाले भी इसे वक्त अंधकार के भटक जाते हैं। पिता ने अगे पुत्र की अहमियत की दसी गई रोज तुसी राम राम करते पंडित जी ने दस कथा घर में की राम राम की सुन लगाई है कभी राजा दशरथ ने याद किया बच्चा चार पैसे कमा ले नाम होंगे एक बार दशरथ कहे सहस्त्र यज्ञ पुण्य हो माने की कहते करोड़ा वारी राम का नाम लै लो एक बारी पिता राजा दशरथ का नाम लै लो तो ओना पुण्य प्राप्त हो जाए। क्या महाराज जी तुसी गुरु तुहाडे कोल शिक्षा ले सानू तुसी दसो मौत कितनी दूर है। उथे गुरु महाराज जी ने एक शब्द कहा सी मर्दानिया मौत इन्नी दूर है कि सा आया आया ना आया ना आया। आज लुथरा परिवार परिवार ने दोने बच्चे बैठे आ संजीव राजीव लव कुश की जोड़ी एक दा शनि मालक एक दा शुक्र एक जुट दोनों मित्रता के मालक बहुआ बैठी है कंचन पूजा उन्हां दी विलासी मित्रता अज यारा दे यार सब तो अच्छे जेड़े इन्हां दे भाई बने आ मित्र बने आ रमेश जी मेरे कोल बैठे और नानका परिवार चौहान परिवार आज खाती मालकन चौहान परिवार की बेटी कल तक सुदेश रानी थी आज तक सुदेश देवी बन गई जिन्हें पेके परिवार में तो चार चंद लगाए लगाए आ सारे परिवार में भी आकाश दियां बुलंदियां दे विच ले जाण वाले कुड़माचारी सज्जन परिवार और आंढ गुआंढ दे विच नाम जिहड़ा है रोशन कीता सुरिंदर सीमा डल्ला परिवार दे विच जीवन दे बच्चे आनंद ले रहे अज एक बड़ी अच्छी गल है कि अच्छे परिवार मिल जाए
बच्चे अच्छे घरां दे विच चले जान ना, जीवन दा सुख एक अलग ही दस्या गया। अर्जुन पोती जिसका स्वंबर बड़े नाल चाव दे नाल अर्जुन दे नाल कीता, आज बच्चियां दा हुक्म होया क्या के पंडित जी साडे पिता जेड़े के जिंदगी दा आनंद लेके बरादरी दे विच अपनी अहमियत बना के श्रीमान जोगिंदर पाल जी अज संसार नूं छड के चले गए। पुछिया भी होया कि क्या पंडित जी पास से साइलेंस अटैक, आज तक ये नहीं समझ आई साइलेंस अटैक की बीमारी की है, कष्ट की है, किसे पुराण दे दस्या को बीमारी भी है कष्ट भी है, मारे कहते नहीं, इन कहते कर्म भोग। गुरबाणी दे विच एक शब्द लिखिया है, जो जो बीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। गुरु महाराज कहते जो तू बीजिया तेनू कटना उही पैना। अज कहने जी को कष्ट नहीं आया जी, मिनटा में प्राणी चले गए, की पता साडे अंदर कष्टा के भंडार किन्ने लगे हुए। एक बहाना बनता है, अटैक होया जी पिता ही चले गए जी। अज मैं संजीव जी ये दसो तुहाडे पिता जी गया कित्थे, पिता दे घर में सुत्ता पिया, जगांदे क्यों नहीं गए, जगाने वाली ताकत किथे गई, जगाने वाली शक्ति किथे गई। कहने वापसी तो बड़ी दूर तक है जी, मिनटा में जेड़ा कम नहीं होता असि कुटकी मार के करवा दे। मारे ही कहते सजना तेरिया अखां दे सामने तेरे सज्जन नूं मैं लैके चला वा, जरा हुण भी वाकफी दिखा दे अपनी किथे है। तुसी मेरे बुजुर्ग बैठे हो, एक गल दसो बंदा झुकदा किथे, जा झुकदा है संतान दे अगे ते जा झुकदा है भगवान दे अगे। हाथ खड़े हो गए खत्म कहानी। जोगिंदर जी भी गए ओना दे अंदर है जेड़े अलौकिक शक्ति दे अंश सी ना, ओ महा शक्ति विच चले गए। ओ मिले कितों सी, इस चीज का ज्ञान तुहानू पूरा है। गुरबाणी विच एक शब्द लिखे है, इक्का माए जुगत बिहाए तिन किले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लावे दीवान। इक्का माए कौन, अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति नु अज तक देखिया किसी ने, बिल्कुल नहीं देखे। उस अलौकिक शक्ति दे कोलों कुछ अंश शक्ति ने मिलते या किथे, रोवर नरक इक्की मां नरक माता दी करक। बालक ने संसार दे विच आंदे जन्म लै लिया, की कहने है मेरा पुत्र मेरी बेटी, मारे कहने तू मुल खरीदिया मैं दिता दे हो, जे मैं ना देता ते तू मेरे को खो के ले नहीं सकता। एक गल जिंदगी दी होर भी याद रखना, संतान ना होवे एक दुख है,
होके मर जावे बंदा दुखे भूल जाता है। भारी जवानी में चला जावे ते कहने की काल है तमाशा करके। आज तक हर घर तमाशी हो रही है। बाबा फरीद जी ने की क्या और फरीदा उठे चढ़ चढ़ देखिया घर घर यही अग काल ने कोई नवा तांडव नहीं किया। पंडित जी ने दस्या ना गरड़पणा दी सुरंग दिहाई विच काल दी ताकत किन्नी है तुहानू पता है ना। जिस माड़ा भूचाल आंदा सी बच्चों भूल जाने अपने आप को बचाओ कादी मंगता है कद रिश्ता का जींदियां के सबे ती मोया का कोई काल पृथ्वी को भूख सकता है समेरु पर्वत को भी खा सकता है अरे समुंदर को सुखा सकता है तो फिर इंसान का कहना ही क्या है। राजीव जी एक को इंसान का कहना है मैं मेरी मेरी ना कर पत्ते ना तेरी ना मेरी वे अरे एक दिन ऐसा आवेगा तू होगा जिंदगी की फोर कर दिया ये काल योग दे विच काल ने कह प्रसाद दिता है तो नवा काम नहीं किया उन्हें गुरबाणी में शब्द भी लिखा है काल पाए ब्रह्मा वक्त धरा काल पाए शिव की अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाश सकल काल का किया तमाशा। जिंदगी विच एक गल याद रखना बुजुर्गों कभी किसी का तमाशा ना देखा। पता नहीं महाराज ने किस वक्त तेरे घर के विच तमाशा करते आज आग ओले घर लगी है कल तेरे घर के विच जरूर लगे। संजीविका भी आने का हो गया रखना कारण या सब तो वड्डा बेटा करवा सकता है ते या सब तो छोटा बेटा उसका लाभ उसकी जोड़ी हो दो ना कि तुसी कोई भी करवा सकते। संजीव की ड्यूटी पुराने वस्त्र उतार लो नए वस्त्र धान का लो शव यात्रा बन गई अश्वमेधम सहज क्रिया का पूर्ण फल प्राप्त नारे की कहने हैं चाकुआई राम नाम है सच है सच नानेगे वो सी संस्कार का बेटा पहले दिन पांच पिंड दिखती है तुम पतियो चार पिंड चौथे वाले दिन अर्थ बलिया और पंडित जी अपने प्रोग्राम लाया गरुड़ प्राण की कथा का अध्ययन किया। मैं सूक्ष्म रूपे दसांगा गरुड़ पुराण का मतलब की नौवें दिन गंगा मैया की गोद दसवें दिन अस्थियां जन करके आए कंखल मां के चरण बने दसवें दिन दस पिंड एक हाथ का शरीर बने हैं सोलह पिंड क्रिया दे इनकी मैं मिसाल दे दू रमेश जी इस वक्त प्राणी ने खाते च लटाया होंगे ना आत्मा नहीं होंगी नहीं मिट्टी होंगी है उदा ही सोलह पिंड बनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भूत प्रीत जक्ष त्यारे सारे निमित्त एक एक शरीर इस वक्त बनता है ना वह शरीर के आत्मा पाते हैं आत्मा कितना पाई है। संजीव जी तुहाडे पिता जोगिंदर जी का पिंड पहला तुहाडे दादा जी विच मिलाया दादे का नाम लिया फिर पड़दादे का नाम लिया फिर वृद्ध पिता का नाम लिया तुहाडा प्राणी सीधा पितरियों की पंक्ति विच जाके सम्मिलित हो गया। कई बार योग दे रहे हैं प्राणी किसी को नहीं देता वो कहता बेटा मैं कोई नाम लेके नहीं आया मेरे लिए थोड़ा समय कट दे तो वो कर्म करवा मैंने और कुछ नहीं चाहिए जिंदे नाल मैं पितरियां की पंक्ति में जाके सम्मिलित हो सकता नहीं होना या साइलेंस अटैक रहने को लिखी होती है गया
गया नहीं ते फलगो नहीं पीवा उथे 16 दिन लगते इतने 16 मिनट लगते मारे कहते हैं तुसी अपनी आस्था के नाम कर्म करवा दिता है एक कर्म वाले ने पता है की कर जैसा आने वैसा मन वो एक गल कहते हैं मां मत जाए मैनु अज तक इस चीज की समझ नहीं आई मैनु 42-43 साल काम हो गए करते हैं शास्त्र कभी छूटती नहीं होती महामतरंजे की ताकत है कि मुर्दे जान पा मेघनाथ करण लगा कि भविष्य ने किया प्रभु के हो गया ये अमर हो जाएगा विध्वंस चरण अज जेड़ा राम मंदिर है महामतर देखो असं लोग तो सारे दुखी असि कि सुखी कोई शरीर दुख तन दुख मन दुख भैन भाई साफ संबंधी कोई ना कोई मारे कहते हैं चिंता जे तू चिंता छड़ दे सुचिंतन सुचिंतन होता नहीं कि बेटी कह रही है चिंता तो हम गुरु महाराज ने कहा भी चिंता जेड़ा बने है उन्हें टुकना है जेड़ा जमे है उसने मरना महामतरंजे का मतलब है मौत के उत्ते विजय की प्राप्ति है एक 84 अक्षर ओम होम योम सै ओम भूर वै स्वै त्रिम कम निजाम है सुगंधी पुष्टि वर्धन मुरवा रूप में वंदना मित्र मोक्ष नामता स्वै वै भू ओम सा योम होम ओम पिछले 8 अक्षर उल्टे पढ़ने गए एक साल एक मंत्र पढ़िया जाए तो मंत्र की शुद्धता है जिथे सा ले लेंगे मंत्र खंडित हो जाए अज ब्राह्मण पंजाब ने 125,000 मंत्र जजमान दे के मान के ले लो दिन की बाकियों दुखेगा नहीं जेड़ा अंधविश्वासा में पा के अज वैसे देखे भी जाए पंजाबी ब्राह्मण के चांदी रह हर बंदा धोती कुत्ता लाल सब ब्राह्मण है ब्राह्मण का अगे होंगे सी पुरोहित यह साडे कोल का पुरोहित है जिद्दां पंडित जी बैठे साडे परिवार 30-40-50 साल तों आ रहे पुरोहित का मतलब है कि जजमान का अज वो गल्लां नहीं रहियां महाराज कहंदे आ इस वास्ते महामंत्रंजे का मतलब है कि हे प्रभु जिस तरह एक खरबूजा पक जाता है अपने आप वेल में छड़ देता है उसी तरह नाल हस्ता खेड़ता परिवार होवे मैनू तकलीफ ना आवे मैं मिनटा विच तेरे चरणा दे विच वास कर जा अज मेरा ख्याल जिहड़ा है जोगिंदर जी का यही प्रमाण होया हां यह है पोती व्याई सी एक पोते का विआह हो जाता ठीक है उधरों पोती वालों भी अगू भी महाराज ने रंग ला दिते पोते का विआह फिर कहने सोने की पौड़ी चढ़ गई साडा महाराज का रंग हो गया बाकी सारा उस मालिक नूं मंजूर है ओहदे हुकम तो बगैर ना कोई पत्ता हिलिया ते ना कोई हिल सकता है अज गरुड़ पुराण की गाथा का भोग पा दिता जाएगा और एक दिन अपने घर के 15वें या 16वें या 17वें दिन पंडित जी ने बुला के हमन करवाना जिथे असी प्राणी में लटानी है वह प्रेतों की जगह है गोमान ना करी तेरी चार दिन दी है जिंदगानी के बदया गुमान ना करी पैना मुल नहीं मिट्टी दा दवानी जानवर की मिट्टी हर कम आती है इस मिट्टी का मुल एक पैसा भी कहना थोड़िया दिन बहार भी
के सब खेतियां खिला बाल उसका जवानी बुढ़ापा खत्म कहा गुमानिना करी के पलिया तुम्हानिना करी। कवि ने किसम की लिखा हाडियां की मुठ के देही का सम्मान गाली मुते तेनु अभिमान में अभिमान का करना बालक जन्म लेंद संजीव जी इटक जिस स्वागत प्राणी को लेके जाने हैं वह भी एडी मुसीबत सारे को पता है केड़े शास्त्र में लिखा जी अस्थियां घर लैके ना हो केड़े शास्त्र में लिखा जी ऐतवार चौथा ना करो जी केड़े शास्त्र लिखे जी बुधवार चौथा ना करो जी मारे कहते हैं दुख दे विच इनू कहते हैं पाठक पाठक दे विच ना कोई संग्रांद ना कोई मस्या ना पूर्णमाशी ना कोई दिवाली ना करवा चौथ ना ऐत ना सोम कुछ भी नहीं दस्या गया दुख वास्ते सारे दिन ने एक समान दस्ते एडी पोटली मांगी ले जाओ घर में लै के ना कभी नहीं शब्द लिखे जिसम इंसान का क्या है तुम्हें हड्डियां ये ख्याली आसमां आए मौत की पर जोर आंधी जब इसे टकराएगी देख जाएगी इस जगत दे विच कई आए पंछी ते तरह तरह दियां बोलियां बोल गैने चुग कहने हंसां दे वांग मोती ते कूड़ा वांग कामा फोल गैने कौड़ी एक ना चले ओए नाल तेरे छोड़ गैने साई दासा जहान तो ओयो खाट गए ते सच बोल गए ते जेड़ा पूरा तोल गए समान में ओ खैर केड़ी गाली उते तेनु अभिमान में अभिमान ना कर चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात चार दिन सुख दे मिलिया प्रतीत करे और अपना अलविदा हो जाएगा अंत दे शब्द दे विच महाराज निशान तेरा लैन बलिया के गुरु माने की कहंदे आ बंदिया एहो जिहा कम करके चला जा दुनिया तेनु मरण तो बाद भी याद रखे फिरिया बाप परिवार नानका दादका पीटा सारा परिवार सारे सज्जन अज जिन्ने अज राजनीति समाज सारा शराब बाजार सारा अमृत सागर सारिया बस्तियां और इस इलाके रे साथी जिन्ने भी श्री विभो जी विधायक भगत चुनी लाल जी और सिमरनजीत सिंह बंटी और खास तौर पर शीतल जी मेरा गल हुई सी या पंडित जी मेरा बहुत प्यार है मेरे वालों में श्रद्धा सुमन देवी कला मंदिर प्रबंधक समिति के प्रधान शीतल बिजी वालों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए अंत दे शब्द की व्याख्या की थी जानी कोई ऐहो जिया अरे काम तो कमा के जाके वाले नाम तेरा लेने बढ़िया के और जदो छेड़े के पूते कहानी जब भी अच्छा कर्म करोगे तेरे पिता भी याद रहे और के बढ़िया तुम्हारा करी के बढ़िया तुम्हारा करी का हुसन दा
दौलत का शौर्य, किसी ने पूछा कि तेरा जज्बात कितना है, किसी ने पूछा कि जोर जलाल कितना है, किसी ने पूछा कारोबार और परिवार कितना है। सजनो आज तक ये बात कभी जोगिंदर जी ने बहुत ही नजदीक की दोस्त अमृतसर मां वैष्णो देवी मंदिर का दरबार सानू अज भी याद है। मैं आईदी गल नहीं करता, मैं 45-50 साल पुरानी गलत गल करना। साढ़े स्वर्गीय श्री लाल चंद जी काजी महल्ले मेरे मंदिर के नाल ही उन्होंने घर और उन्होंने बेटी मां लाल देवी मंदिर की जी अज उस अस्थान तो भी विजय कुमार शर्मा जी भी अज साडे विच पहुंचे आ, सारे सज्जन पहुंचे आ। मैं फिर किस किस का नाम लवान, सारे बरादरी वालों, सारे सज्जन वालों, हलचल और फास्ट वे और जिन्हें भी सज्जन अज साडे कोल पहुंचे आ, सारे वालों अज श्रद्धा सुमन मैं स्वर्गीय श्री जोगिंदर पाल जी के चरणों में अर्पण करना। हम पंडित जी गडर प्रांत की गाथा कहेंगे, अगली कार्रवाई उस बाद की जाए। जीवन आगे भी सुखी है और इस मृत्यु लोक में भी सुखी है। अगर कोई इंसान दुष्कर्म करके जाता है तो इस मृत्यु लोक में भी वह दुखी होता है और आगे जाकर के उसको किए हुए कर्मों का फल आत्मा को भोगना पड़ता है, पीड़ा होती है और वहां जाकर के भी दुखित होता है। तो आए कथा की ओर समाप्ति को चले। सारी कथा 16 अध्याय में विष्णु भगवान महाराज जी का सुना दी अंत में कहा। भगवान विष्णु महाराज कहते हैं कि जो मृत्यु के वादा से कथा को सुनते हैं वे पापों से छूट कर अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये कथा है पुत्र की सभी प्रकार से कामना को पूर्ण करने वाला। जो नास्तिक लोग ना तो इस कथा को करते हैं ना सुनते हैं, भगवान कहते हैं कि उनको पुत्र कहने का कोई भी हक नहीं। जो माता पिता के मृत्यु होने पर इस कथा को सुनता है उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं और अगर पुत्र संतान वाला होता है। जिसने कथा सुनी न गया जाकर के श्राद्ध किया न मासिक श्राद्ध किया, भगवान कहने की करोड़ा उसको पुत्र कैसे कहा। इसलिए सभी पर्यटन से कथा को सुननी चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में प्राण उस परम पिता परमात्मा के चरणों में। मंगलम प्रतिजातम मंगलाय तमरे वो विष्णु भगवान महाराज की। श्री नारायण नारायण तो अनेक प्रकार से महात्मा के प्रति श्रद्धा को पुष्प अर्पित किए। तो इस समय हमारे पास कुछ शोक प्रस्ताव भी पहुंचे हैं श्री हरसिमरजीत सिंह बंटी डिप्टी मेजर, उनकी ओर से भी शोक प्रस्ताव पहुंचा है, नहीं पहुंच सकते हैं समय पर। हमारी ओर से भी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने हैं और भी बहुत से हमारी सामाजिक धार्मिक बंधु वर्ग एकत्रित हुए हैं। आइए अगर सब उठाला किया जाए तो मैं कहूँगा परिवार वालों से जो पगड़ी लेकर के आया है वो कृपया आगे आ जाइएगा ताकि हम उठा लेकर शुरू कर सकें। है चाय का प्रसाद ग्रहण करके जाएं। बच्चों ने अपने बुजुर्गों के लिए शास्त्र कहता है घर में दुख हो चाहे सुख के लिए गायत्री मंत्रों का प्रचार सभी मिलकर बोलो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिरन्तरे शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे शान्तिर्यो गुरुमदाति ॐ हरि ओ मङ्गलं भगवान् गले पालो सारे जानते।
ਚੋਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ ਪਵਨ ਕੋਠੇ ਰੱਖੋ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਚੱਕੋ ਬੇਟਾ ਸੁਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਈਓ ਪਵਨ ਕੋਠੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਾਅਦ ਜਾ ਆ ਕਾਕੇ ਚਲਾਈ ਯਾਰਾ ਕਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨਕ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਐਨਕ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈ ਨਾਨਕੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਹਾਂਜੀ ਅਜੀਤ ਭਾਜੀ ਫਿਰ